लॉन्ग रन इक्म अंडर मोनोपलिस्टिक कंपटीशन। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो वहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और जब आप लॉन्ग रन की बात करते हो तो वहाँ पे आपके पास न्यू फॉर्म कैन एंटर इन द बिजनेस आर लीव फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन दंडीशन अगर मैं वहां पर बात करूं आर रनिंग पॉजिटिव प्रॉफिट फॉर्म आर रनिंग पॉजिटिव प्रॉफिट

फिर इसी पैटर्न पे अगर मैं कहूँ फर्म्स आर ऑपरेटिंग अंडर जब वो बिजनेस लीव करेगी अपवर्ड और जब वो अपवर्ड शिफ्ट होंगे तो देन हम उसे क्या कहते हैं देर इज इंक्रीज इन एवरेज रेवेन्यू और इसी चीज को अगर मैं लॉन्ग रन फर्म्स अंडर मोपलिस्टिक कंपटीशन एंटर इन अ मार्केट If at equilibrium quantity, average total cost is less than price, average total cost is less than average revenue. You say that the market, you leave firms under monopolistic competition. If against equilibrium quantity, average total cost is greater than average revenue. long run, firms operating under monopolistic competition always earn zero profit. फर्म ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट अब उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसी पैटर्न पे आप कह लें कि एवरेज कॉस्ट कर मार्जिनल कॉस्ट कर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर यहाँ पे शो कर रहे हैं एक फिगर में हॉरिजेंटल एक्सिस में उसी पैटर्न हम क्वांटिटी ले रहे हैं वर्टिकल एक्सिस में प्राइस बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड इन नेचर फर्म क्या कर सकते हैं फर्म कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर इट्स आउटपुट

फर्म अंडर मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन फर्म ऑलवेज अर्न जीरो प्रॉफिट क्या है दिस इज दिस प्राइस अगेंस्ट इक्लिब्रियम क्वान्टिटी आर इक्वल अब जब आप हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इक्लिब्रियम के अंडर मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन इन लॉन्ग रन तो वहां पे भी सिचुएशन क्या होगी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होंगे इफ एवरी टोटल कॉस्ट एंड प्राइस अगेंस्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर इक्वल लेकिन अगर हम इस कंपटीशन का कंपैरिजन करें विद परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट तो विद रेफरेंस टू आउटपुट अंडर मोनोलिस्टिक कंपटीशन फर्म विल प्रोड्यूस लेस आउटपुट एज कंपेयर टू आउटपुट व्हेन इट इज ऑपरेटिंग अंडर

और मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में कैसे ऑपरेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द डिफ्रेंशिएटेड नेचर ऑफ आउटपुट दैट इज बींग प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर इस चीज को आप अंडरस्टैंड करने के लिए आप मिल्क की एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि दे आर फार्मर आर प्रोड्यूसिंग मिल्क विद डिफरेंट क्वालिटी वो क्वालिटी किस फॉर्म में हो सकता है आप कह सकते हैं क्योंकि जो कोई आपके पास बफलोस का मिलक दे रहा है कोई आपके पास काउस का मिलक दे रहा है कोई आपके पास गोड्स का मिलक है कोई शीप्स का मिलक है कोई ऊंटनी से मिलकर आपको लेके दे रहा है तो ये सब क्या है मिलक different characteristics. और जिसको मजीद आप डिटेल में ले जाओ किस फॉर्म में हो सकता है जी कोई गाढ़ा दूध है किसी का किसी का आप कह लें थोड़ा डेल्यूटेड किस्म का मिलक है किसी में आप कह लें जो उसके डिफरेंट एटीब्यूट से के उनमें कुछ वेरिएशन है एंड बाई हाईलाइटिंग दोज फीचर्स ऑफ द मिल्क दैट इज प्रोड्यूस बाई डिफरेंट फार्मर फर्म फार्मर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम बायर